पलामू की बेटी सृष्टि रानी को हम सब की मदद की आवश्यकता है। पाटन के सिक्की कला की रहने वाली सृष्टि रानी, जो अभी सिर्फ 22 महीने की ही है, वो एक गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 नामक बीमारी से जूझ रही है। अब हम सबको पता है कि इसका इलाज भारत में संभव नहीं है, लेकिन मासूम परी को बचाया जा सकता है। अमेरिका में बनने वाली एक इंजेक्शन ही सृष्टि की जान है, जिसके इलाज में 16 करोड़ रुपए लगेंगे। यह रकम किसी आम इंसान के या खास के लिए भी बहुत बड़ी है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि सृष्टि जैसे ही दूसरे बच्चे जो इसी तरह की बीमारी से पीड़ित थे, उन्हें बचाया जा सका है, लोगों के सहयोग और सामर्थ्य के बदौलत ही। ऐसे में अगर हम सब पलामूवासी एक होकर सृष्टि रानी की मदद करें, तो यह मुमकिन है कि पलामू की बेटी को भी इस गंभीर बीमारी से बचाया जा सकेगा। ये बातें पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने पलामू वासियों से अपील करते हुए उस वक्त कही जब सृष्टि रानी के परिजन अपनी बेटी को इस गंभीर बीमारी से निजात दिलाने के लिए उपायुक्त से मिलने पहुंचे थे। और इसके इलाज के लिए करीब 16 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसकी मदद कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि चूंकि हमारे पलामू जिले की यह बच्ची है, काफ़ी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित, तो हम लोग का यह दायित्व भी बनता है कि हमारे जिले की यह बच्ची स्वस्थ हो, इसका जो इलाज समुचित तरीके से हो। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि सृष्टि रानी के समुचित इलाज के लिए जो पैसे की आवश्यकता है, वह आप जो दिए गए अकाउंट हैं, नंबर हैं, उस पर आप डाल सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारे शहर के, हमारे ज़िले के जो संस्थाएँ हैं, वो आगे बढ़कर सृष्टि रानी के इलाज में मदद करें। मेरी आप लोग से यही आशा है और हम लोग चाहेंगे कि हमारी जो छोटी बच्ची सृष्टि रानी जल्द से जल्द ठीक होकर वापस हंसे खेले, सभी के साथ बातें करें, तो यही हमारी हम लोगों की इच्छा है। तो इसकी मदद करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर रहेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे, और जल्द से जल्द जो अमाउंट है 16 करोड़ रुपये की, वह हम लोग अगले 2 महीने में सृष्टि को यह इंजेक्शन लगना जरूरी है, तभी वह अपना दूसरा जन्मदिन मना पाएगी। पलामू के डीसी ने पलामू वासियों से खुलकर इस नन्ही सी परी के लिए मदद करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पलामू की बेटी की जान बचाकर हम सभी को मानवता और एकजुटता का परिचय देने का वक्त है। उपायुक्त ने दुर्गा पूजा के प्रतिनिधियों से भी प्रत्येक पूजा पंडाल के बाहर दान पेटी लगाने की अपील की है एवं सभी को अपने स्तर से इस सूचना का अधिकाधिक प्रसार करने को भी कहा है, जिससे सृष्टि के लिए और भी लोग आगे आ सकें। कैपिटल न्यूज भी आपसे यह गुजारिश करता है कि आप भी पलामू के इस नन्ही परी के लिए क्राउड फंडिंग में सहयोग करें, अधिक से अधिक लोगों तक यह खबर और यह सूचना शेयर करें, और सभी दुर्गा पूजा समितियों से भी अपील है कि वे अपने पंडाल के बाहर एक दान पेटी अलग से सृष्टि के लिए जरूर रखें, ताकि दुर्गोत्सव में माँ दुर्गा के 9 रूपों में एक रूप सृष्टि का भी भक्तों को नजर आ सके।